हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर। आप देख रहे हो राते बीट्स, और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ओप्पो A15 के कैमरे टेस्ट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चले देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास ओप्पो A15 जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आप बैक साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि पहला मेन कैमरा है इस मोबाइल का 13 मेगापिक्सल का। और साथ ही में और एक कैमरा दिया गया हुआ है, वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड फोटो के लिए और एक कैमरा लगा हुआ है इसके अंदर, वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और फ्रेंड्स, पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैश LED लाइट देखने को मिल जाती है आपको, और बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पे लगा हुआ है सेल्फी कैमरा यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का। तो फ्रेंड्स, प्राइस के हिसाब से ये कैमरा सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम इसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस फ़ोन का कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपनी फ़ोटोज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से क्लिक कर पाओगे। तो ये कंपनी का ऐप्स जो आता है, इसमें वीडियोज़, फ़ोटोज़, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए मैंने इसे कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। वैसे आप अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि जो न्यू यूज़र्स है, जो न्यू ओप्पो A15 खरीदने वाले हैं, उनको आपके ज़रिए पता चले कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपने फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल देखे, वो मैंने इसी ओप्पो A15 से क्लिक किए हुए थे। तो बात करते हैं दोस्तों इसका कैमरा रिजल्ट की, तो इसका कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र्स हो, आपको ज़्यादा कैमरा मैटर नहीं करता, ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं है आपका, तो ऑब्वियसली ये फ़ोन आप परचेस कर सकते हो, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन ले रहे हो तो ये फ़ोन बिल्कुल भी मत लेना, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा इस फ़ोन के कैमरे में। आई होप यू गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।